हेलो ऑल, इस वीडियो लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, उसे डिफाइन किया हमने। इसके बाद हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया होगा, और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इस वीडियो में हम, जैसे कि मैंने कहा, हम टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देर आर फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शंस जो कि मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट्स, और इसी प्रॉपर्टी के तहत कंस्ट्रक्टर फंक्शन पांच अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें कि नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में हम उसके क्लासिफिकेशन को आगे एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहला जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम, यदि मैं पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। सो आई विल राइट कंस्ट्रक्टर फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता हो, उसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सेकेंड जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसे मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहता हूं, और जैसे कि नाम है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा जो आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा। इसे हम आगे फर्दर दो सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ सिंगल आर्ग्यूमेंट एंड सेकेंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें कि सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट होगा उसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद सिंगल आर्ग्यूमेंट कहेंगे, और जिसमें एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे। इसके अलावा जो अगली कैटेगरी होगी या टाइप होगा उसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कहेंगे। जैसे कि नाम है, ये एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर है जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनकी कॉपी क्रिएट करेगा, मतलब जो नया ऑब्जेक्ट होगा वो किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की जस्ट कॉपी होगा, इसलिए उसको नाम दिया गया है कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा अगला जो टाइप होगा उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। यहां पर आपको पूरी स्क्रीन में दो जगह हमने डिफॉल्ट वर्ड यूज किया है। जो फर्स्ट टाइप है उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वहां पर डिफॉल्ट वर्ड यूज हुआ है, लेकिन अभी जो फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ टाइप है, उसमें हमने यूज किया कंस्ट्रक्टर फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब यह है कि जब हम इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब हम जो भी आर्ग्यूमेंट्स वहां लिए जाएंगे उन आर्ग्यूमेंट्स के लिए कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज अज्यूम करेंगे। तो इसलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर फंक्शन में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में अंतर है, बहुत अंतर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, मतलब वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है उसमें, उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और साथ में उन आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज अज्यूम करते हैं, डिटेल में हम बात करेंगे। लास्ट जो कंस्ट्रक्टर का टाइप होता है उसे हम कहते हैं डायनामिक कंस्ट्रक्टर। और ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है बहुत ही स्पेशल कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो डायनामिकली रन टाइम पर ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी इनिशियलाइज करवाता है और साथ में मेंबर्स को भी इनिशियलाइज करता है। यहां हम पॉइंटर्स की मदद भी लेंगे। तो इस तरीके से ये पांच अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्टर है जो कि बेसिकली अलग जो क्लासिफिकेशन है वो उस पर डिपेंड करता है
कि जो भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। आगे के अपकमिंग लेक्चर्स में हम इन सारे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन को एक एक करके डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।